हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रो कितनी कितनी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, और इसमें हर 2 से 3 दिन के बाद एक फ्लावर्स खिल जाता है, और कितना बड़ा फ्लावर्स है देख सकते हैं आप। बहुत ही बड़ा फ्लावर्स इसमें निकलता है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। ये इसमें बर्ड्स हैं, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे ये 4 बर्ड्स हैं। आपको पता नहीं नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4। और यहाँ पे भी दो दो बड़ी हैं, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पे छोटी छोटी भी ये हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। तो फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने 1 महीने पहले करीब बोन मील दिया था, और फिर उसके अगले 15 दिन बाद मैंने इसमें थोड़ा सा DAP और NPK के 5-5, 6-6 दाने मिला के इसमें डाल दिया था। और इसमें कुछ कीड़े वगैरह ना लगे, इंसेक्ट मिट्टी में इसकी, तो एक एक मुट्ठी मैंने अभी 1 हफ्ते पहले, आज मार्च की जो है 22 तारीख है, तो 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें एक एक मुट्ठी नीम खली डाली थी, और देख सकते हैं कितना ग्रीन है ये, कितनी इसकी पत्तियां चमकदार, और कितना अच्छा प्लांट है ये। फ्रेंड्स, ये पुरानी पत्तियां हैं जो ये पीली पड़ रही हैं, ये किसी इसे आप तोड़ दें, तोड़ के हटा दें, और जो न्यू लीव्स निकल रही हमारी वो अच्छी हैं। देखें कितनी शाइनिंग है इनमें, तो ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरा, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है हर 3 से 4 दिन के बाद। अब आप देख सकते हैं ये आज एक खिला हुआ है, और 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद ये भी मेरा खिल जाएगा। तो हमेशा इस गमले में आपको फ्लावर नज़र आएगा, तो बस इसकी अच्छे से केयर करते रहें, वाटरिंग करते रहें। फ्रेंड, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी, मिट्टी एकदम गीली ना रहे, हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी से पसंद रहती है। तो देखिए इसमें मिट्टी गीली है, मैंने इसमें शाम में पानी दिया था, इसलिए ये अभी तक मिट्टी गीली है, अभी मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। अब मैं इसमें फिर से शाम में पानी डालने का फ्रेंड्स एक फ़ायदा होता है कि हमें सुबह सुबह पानी इसमें नहीं देना पड़ता, और अगर हम सुबह पानी देते हैं तो गर्मी, सूरज तेज़ होता है, रोशनी गर्म तेज़ ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से अगर हम सुबह इसमें वाटरिंग करते हैं तो दिन भर में ये पानी बिल्कुल सूख जाता है फ्रेंड्स, तो जिसकी वजह से ये मिट्टी इसकी काफ़ी सूखी रह जाती है। तो अगर हम शाम में मिट्टी देते हैं तो हमारे 2 फ़ायदे हैं, एक हमारा सुबह में हम काम में लग जाते हैं, सुबह सुबह के वक्त हमें काफ़ी काम होता है, तो हम इसमें वाटरिंग अपने प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हैं, तो शाम में अगर हम वाटरिंग करते हैं तो हमें सुबह सुबह कोई फिक्र नहीं होती कि हमें प्लांट्स में पानी डालना है, और रात भर वो ठंडा भी रहता है, और उसके बाद पूरा दिन पानी इसमें चल जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। आप भी अपने प्लांट्स की केयर करें और प्लांट्स लगाएं अपने घर में, इन्हें देख के बहुत ज़्यादा, जब इनकी ग्रोथ अच्छी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे था। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।